आपके घर में कितने बच्चे हैं? यकीन मानिए, कमेंट में जरूर करिएगा कि आपके बच्चे किस तरह से, तीन बच्चे हैं तो तीन तरह के खाना खोजते हैं कि एक ही तरह के खाते हैं। हमारे घर में तीन बच्चे हैं, तीनों तीन तरह के खोजते हैं। आज इतना जिद कर दिया कि वो एक बच्चा हमारा है, मतलब बेटा, जो कि प्याज खाता भी है और नहीं भी खाता है। तो कैसे नहीं खाता है, तो उसे सब्जी में डाल दीजिए तो प्याज बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर उसी का स्नैक्स बनाइए तो बिल्कुल वो चट कर जाएगा। तो आज हम भी सोचे हैं कि ये पनीर के पीछे बहुत दौड़ता है, तो पनीर के पीछे दौड़ता है तो क्यों नहीं थोड़ा सा प्याज डाला जाए। तो इनको हम जरा ट्राई लेते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह के अगर स्नैक्स बनाएंगे तो आपके घर में भी जो नहीं खाते होंगे वो भी खाएंगे। तो एक प्याज से हम ढेर सारे स्नैक्स बनाएंगे। तो अब इनको हम क्या करने वाले हैं कि चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर हम ले लिए एक प्याज, बहुत सुंदर है और खूबसूरत भी है, तो खूबसूरत रेसिपी भी बनेगा। तो बस यहाँ से हम थोड़ा सा कट करेंगे दोनों साइड से, इस तरह से पहले कट कर लेते हैं। और कोई बात नहीं है, लंबा गोल किसी भी तरह आप कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बीच से कट लगा लिए, एक छिलका इनका ऊपर वाला जो होता है ना, निकाल लीजिए। ये थोड़ा हार्ड होते हैं ना, तो निकालना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, बातें करते करते भूल ही गए कि आप लोग से कुछ निवेदन करना था। क्या निवेदन करना था? अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपके यहाँ तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तो क्या क्या नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। बातें करते करते यहाँ पे सारे प्याज को हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए। थोड़ा पतला ही काटिएगा, ऐसे भी ये पतले हो जाएंगे। जो चौला है उनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को कट कर लिए हैं और थोड़ा सा इन्हें इस तरह से खोल ले। और एक बड़ा सा प्याज लीजिएगा ताकि ढेर सारा हमारा स्लाइस हो जाए। तो हम एक बाउल में ले लेते हैं, एक कटोरे में इस तरह से सारे प्याज को। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेली से क्रश कर ले। और इसी के जगह पर, मतलब अजवाइन की जगह पे आप चाहे तो धनिया भी क्रश करके ले सकते हैं, लेकिन अजवाइन पाचन में भी बहुत अच्छे हैं और इनसे टेस्ट भी लगते हैं। स्नैक्स में खास करके अजवाइन ही पड़ते हैं। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब कूटा हुआ लाल मिर्च। इनसे सौंधीपन तो आते ही है, देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। और आधा छोटा चम्मच ही हम लेंगे धनिया पाउडर, और आधा छोटा चम्मच और चुटकी भर लेंगे हम काली मिर्च पाउडर, और आधा छोटा चम्मच नहीं चुटकी भर है जीरा पाउडर भुना हुआ लेंगे। आधा छोटा चम्मच कुटनी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी तीखा वाला है। यहाँ पे लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे लेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब चाट मसाला। आप चाहे तो अमचूर पाउडर या लेमन के जूस ले लीजिएगा। यहाँ पे लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, हरा मिर्च, दो हरा मिर्च को हम कट कर लिए हैं, और लेंगे हम एक बड़ा चम्मच हरा धनिया। और इसी में हम लेंगे, आप चाहें अगर है तो ले सकते हैं, नहीं है तो स्किप करिएगा। इनके जगह पर आप सूजी भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं चावल का आटा, तो ये हम दो बड़ा चम्मच लेंगे ताकि अच्छे से हमारा स्नैक्स क्रिस्पी हो। अब हम यहाँ पे आधा कप बेसन लिए थे, तो अब हम चम्मच से ही नापेंगे चार चम्मच भर के बेसन। जितनी ज्यादा बेसन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज से हम बना रहे हैं ना, मतलब अनियन पकौड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए कम बेसन। तो यहाँ पे हम चार चम्मच बेसन लेंगे। तो ये चार चम्मच मेरा गया, और यहाँ पे अच्छे से बिना पानी के हम पहले मिलाएंगे। अभी पानी नहीं लेंगे इसमें, अच्छे से पहले इस तरह से मसल मसल के मिला लेना है। मसलते हुए यहाँ पे अच्छे से सारा प्याज को देखिए हम खोल लिए हैं। तो बस यहाँ पे लिए हम आधा कप से भी पानी कम है, एक कटोरी पानी है। यहाँ पे हम छिड़काव के अनुसार पानी लेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। हमको बिल्कुल गीला भी ज्यादा नहीं करना है, तो बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है। बातें करते करते फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, छोटकू सा जो घंटी है ना उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली एक से एक वीडियो आपको मिले देखने के लिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे हमारे चैनल पर रेसिपी डाला हुआ है, रसोई मीना के चैनल पर। तो वहां आप आइए, आप अपना प्यार दुलार दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक करिएगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ही पानी छिड़काव लिए थे, तो इसी तरह से हमको चाहिए, तो हम अच्छे से मिला लेते हैं। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिला लिए, अब इनको हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लिए हैं पनीर। तो ये पनीर 200 ग्राम है, आप अपने बच्चे के हिसाब से पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम इससे मोटे वाले से ग्रेट करेंगे पनीर को। तो चलिए ग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे,
अच्छे से इस तरह से एक ही दिशा में हम इन्हें ग्रेट करेंगे ताकि अच्छे से पनीर हमारा ग्रेट हो जाए, टूटे ना। देखिए कितना बढ़िया से लच्छे निकल रहे हैं। तो इसी तरह से हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें हम लेंगे पनीर में जो ग्रेट किए हैं ना, इनमें चुटकी भर लेंगे हम चिली फ्लेक्स, और चुटकी भर ही हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे लेंगे हम जीरा पाउडर, बस सेम बराबर चुटकी भर। हम लेंगे नमक, तो नमक हम प्याज में भी लिए थे, तो बस चुटकी से भी कम लीजिएगा नमक, ध्यान रहे आप कम कर लीजिएगा, कम बेस खाते हैं तो। और यहाँ पे लेंगे हम, इनमें हम स्वाद चेंज करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम बस चुटकी भर आमचूर पाउडर, यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी हरा मिर्च और थोड़ा सा ही हरा धनिया, सबको हम ले लेते हैं। सारे मसाला को अच्छे से मिला लेंगे इनमें इस तरह से। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह के रेसिपी बनाइएगा ना तो आपके घर में महाभारत नहीं मेल जोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पनीर लिए इस तरह से, और लंबे लंबे आकार में, सिलेंडर का आकार में इस तरह से देखिए बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम बना करके सबको रखते जाएंगे। तो यहाँ पे सभी को हम देखिए सिलेंडर के आकार में बना करके रख लिए हैं। अब हम ले लेते हैं प्याज, और प्याज में हम लास्ट में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। भाई प्याज जहाँ तक है नाम, तो वहाँ पे अदरक लहसुन तो उनका दोस्त भाई जो कहिए साथी है। तो इनके बिना तो खैर रेसिपी थोड़ा टेस्टी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, हमारे पास बिना प्याज लहसुन के भी रेसिपी बहुत पड़े हुए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया रेसिपी है। तो देखते ही आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जरूर, यहाँ सबको हम मिला लिए बढ़िया से। देखिए थोड़ा सा हाथों पे पानी लगाएंगे, और थोड़ा सा हम प्याज वाला बैटर उठाएंगे इस तरह से करेंगे, और यहाँ करेंगे होल इस तरह से, और स्टफिंग को हम सिलेंडर का आकार में ही स्टफिंग करेंगे। ज़रूरत पड़े तो ऊपर से थोड़ा सा स्टफिंग इस तरह से ले लीजिए, और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से ये पैक हो गए हैं। तो इस तरह के स्नैक्स आपको फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे ही चैनल पर मिलेंगे एक से एक स्नैक्स। तो आप आइए प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, आइएगा ज़रूर। तो इसी तरह से सबको हम स्टफिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सभी को हम स्टफिंग कर लिए हैं। अब चलिए देखते हैं करारी करारी फ्राई करने। यहाँ पे हम गैस ऑन करके तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, क्योंकि हम भाई कुकिंग सरसों तेल में बनाते हैं, आप जो भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गए, अब हम ले लेते हैं। इस समय में हम तेल को मीडियम रखे हैं ताकि जल ना जाए ऊपर से अंदर से, तो इसीलिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनाना है। तो सबको हम ले लेते हैं तेल में। अभी हम क्या करेंगे कि इनको छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा तेल को हम इस तरह से हिला देंगे। अब एक चम्मच के सहारे हम यहाँ पे सबको हम इस तरह से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्राउन ब्राउन ये हो रहे हैं। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे ही आपको सेकना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी करारी बने। ये बिल्कुल नए रेसिपी है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा जरूर। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, तो बस हम एक एक करके तेल से ले लेते हैं बाहर। देखिए कितना बढ़िया ये बने हैं, सबको ले लेते तेल से बाहर। यहाँ पे करारी करारी अनियन पकौड़ा बनकर तैयार है। तो आइए अब बोलिएगा मैम, काट के दिखाइए, कहीं आप अंदर में ली तो नहीं है स्टफिंग, बिना स्टफिंग तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं, वाह क्या बात है, आप देख रहे हैं ना क्या स्टफिंग इनमें आए हैं। लुक, जो नहीं प्याज खाएंगे ना वो तो दौड़ के ही खाएंगे। तो चलिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए भाई। और हमारे चैनल पर आइए रसोई मीना के चैनल पर, अपना प्यार दुलार दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।